हेलो दोस्तों, आज हम आपको भट्ठा दिखाने वाले हैं। ये भट्ठा हाइड्रॉट टेक्नोलॉजी से चलता है, इसे हाइड्रॉट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये देखिए, होल के अंदर जहाँ से कोयला डालते हैं, ये देखिए लोग कोयला डाल रहे हैं। ये देखिए चिमनी जहाँ से धुआं निकल रहा है। ये बॉक्स जो है जिसमें कोयला लाकर भरा जाता है, इसमें पिसा हुआ कोयला भरते हैं। ये देखिए ईंटें मजदूर उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं और बाहर ले जाकर टाली में लादने का काम कर रहा है, लोडिंग का काम कर रहा है। ये देखिए बाग में रांची लोग, ये रांची के लेबर हैं, झारखंड डिस्ट्रिक्ट से लेबर आते हैं। ये इसमें ईंट लेकर जा रहे हैं बाग में। ये एक साथ 20 ईंट लेकर जाते हैं, 10 ईंट एक तरफ और 10 ईंट दूसरी तरफ। ये देखिए ईंट जो निकलने वाला है उसके ऊपर से राबिस हटा दिया गया है। ये देखिए बच्चे यहाँ पे ठंड से बचने के लिए नाक से हाथ सेक रहे हैं। ये देखिए होल का ढक्कन हटाने के बाद कोयला डाल रहे हैं चम्मच से। ये देखिए होल में आग दिखाई दे रही है, कोयले की आग बहुत तेज होती है। इसमें अगर आदमी चला जाए तो एक मिनट में राख बन जाएगा। देखिए कैसे चम्मच से कोयला डाल रहे हैं। इसको, इस आदमी को हम लोग झुकवा बोलते हैं। ये देखिए इससे कोयला उठाकर हम लाकर बॉक्स में भरते हैं। इसमें दो टोकरी होती है, ये देखिए इसको बॉक्स बोलते हैं, बाईपास बॉक्स। ये देखिए चैम्बर की चाबी इसे बोलते हैं, इससे एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आग जाती है। ये देखिए कच्चा ईंट गधे से लाते हैं और फिर ये लाकर यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से लाइन से यहाँ पे रखते हैं। बीच बीच में देखिए होल है जहाँ से आग चारों तरफ फैल जाती है। ये देखिए गधों से ईंटा उठाकर क्रमबद्ध तरीके से रख रहे हैं। ये काम करने वाले लोगों को बुझवा बोलते हैं। ये देखिए चिमनी, हाइड्रॉट टेक्नोलॉजी में नम ईंट जो होती है, जो हल्का हल्का पूरा सूखा हुआ नहीं रहता है, वो भी सूख जाता है अच्छी तरीके से। इस हाइड्रॉट टेक्नोलॉजी में ईंट में नोना नहीं पकड़ता है, मतलब बाद में पुराना होने पे झड़ के गिरता नहीं है, ये इसकी खासियत होती है। इसमें ईंट को पहले पूरी तरीके से पंखे के द्वारा सुखा लिया जाता है, उसके बाद पकाया जाता है। ये देखिए कोयला, यहाँ पर एक कोयला पीसने की मशीन लगी हुई है, एक इंजन है।
इसमें दो तरीके का कोयला पड़ता है, एक जो एकदम महीन होता है आटे की तरह पिसा हुआ उसे हम सेलरी बोलते हैं, और बड़ा जो होता है बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसे हम स्टीम बोलते हैं। ये देखिए चिमनी, सामने दो बड़े बड़े लंबे लंबे भट्टे दिखाई दे रहे हैं जिसको उन्होंने जिगजैग टेक्नोलॉजी से चलने वाला भट्टा बोलते हैं। वो देखिए सामने दिख रहे हैं दो लंबी लंबी चिमनियाँ दिख रही हैं जिसे हम जिगजैग टेक्नोलॉजी से भट्टा, हम एक दिन उसको भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाएंगे। ये जो लाल लाल आपको राख या मिट्टी दिख रही है वो कोयले की राख है, कोयला जलने के बाद ऐसे ही पिंक कलर का मिट्टी दिखाई देता है। इस ईंट में ऊपर कार्बन लगा रहता है, कार्बन लगा हुआ रहता है इस वजह से इस पर नूना नहीं पकड़ता। ये सामने जेसीबी है, ट्रैक्टर में देखिए ईंट की लोडिंग हो रही है, इसी ट्रैक्टर से कस्टमर्स के पास इस ईंट को पहुंचाया जाता है। ये देखिए महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो ईंट यहाँ से उठाकर लेकर जा रहे हैं और ट्रैक्टर में ले जाकर टाली में ले जाकर लोड कर रहे हैं। देखिए कैसे लेबर काम कर रहे हैं। हाइड्रॉट टेक्नोलॉजी मतलब ईंटे को पूरी तरीके से सुखा लेता है उसके बाद उसको पकाते हैं, इस वजह से इसमें नोना नहीं लगता। ये देखिए होल में जो कोयला फंस जाता है उसको ऐसे साफ करते हैं, देखिए कैसे साफ कर रहे हैं। जब ईंट पूरी तरीके से पक जाता है तो इस होल को निकाल लेते हैं। देखिए कैसे होल को साफ कर रहे हैं ये। अभी देखिए होल को जब ईंट पूरी तरह से पक जाता है तो ऐसे ही होल को निकाल लिया जाता है, उसमें एक बड़ा सा कोयला डाल देते हैं और उस पर एक ईंट रखने के बाद मिट्टी से ढक देते हैं। ऐसे ही 36 होल होते हैं जिसमें कोयला डालते हैं और जब ये पक जाता है तो फिर इसे हम उखाड़ लेते हैं। ये देखिए ईंट रख दिया, ईंट रखने के बाद इसे मिट्टी से ढक देते हैं ताकि किसी का पैर इसमें ना चला जाए। ऐसे ही एक दो और होल जो उखाड़ने हैं वो ऐसे ही उखाड़ लेंगे। ये देखिए अब दूसरा होल भी उखाड़ने वाले हैं, देखिए कैसे उखाड़ेंगे। और अंदर देखिए कोयला जल रहा है जो कितना लाल हो चुका है, एकदम पूरी तरीके से लाल। ये काफ़ी रिस्की काम होता है, इसे नए लोग नहीं कर सकते, इसको सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए लाल कोयला दिखाई दे रहा है, देखिए इस पर ईटा रख के इसको फिर इसको भी ढक देंगे। ये देखिए तीसरा होल भी उखाड़ लिया। ये देखिए बड़ा सा कोयले का टुकड़ा डाल रहे हैं, इसके बाद एक ईंट रखकर इसे भी इस होल को भी बंद कर देंगे। ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है क्योंकि इससे काला धुआं नहीं निकलता है, इसके नीचे जो
नाले बने होते हैं उसके ऊपर से धुआं गुजरने से उसमें के का जो कार्बन होता है ब्लैक वो नीचे बैठ जाता है ज़मीन पे फर्श पे और सफ़ेद धुआं इससे निकलता है। ये देखिए बॉक्स रखे हुए हैं, देखिए इसका धुआं सफ़ेद निकलता है, देखिए ऊपर दिख रहा है।